गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सभी का वेलकम है हमारे चैनल में जिसका नाम है रजनी लाइव ब्लॉग्स। और आज है दिन मंडे है, तारीख 7 है और आज है पूर्णिमा, तो आज ग्रहण भी पड़ेगा। तो अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे हुए हैं और मैं जो है ना नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि आज तुलसी पूजा है और ग्रहण की वजह से जल्दी करना है। तो बस मेरा सारा काम रेडी हो चुका है और मैं जा रही हूँ हलवा बनाने पूजा के लिए और पूरी बनाने। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि फिर जो है पूजा जल्दी होनी है ना, ग्रहण पड़ेगा, इसलिए तो जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो सारी रेडी मतलब तैयारी हो चुकी है। ये देखिए हमारा आटा भी लग चुका है और मैं जा रही हूँ, पहले हलवा बनाऊंगी और फिर दूसरी साइड में दूसरी कढ़ाई रखती हूँ, उसमें पूरी बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं। अब ग्रहण का पता नहीं है, आज पड़ेगा कि कल पड़ेगा, कोई कहता है आज पड़ेगा, कोई कहता है कल पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। तो चलिए मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है देसी घी जिसको मैंने कढ़ाई में डाला है और अभी मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से, पहले उनको फ्राई करूँगी। आपको मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4-5 बादाम लिए हैं और 5-6 काजू लिए हैं और थोड़ा सा नारियल लिया है। तो मैं सभी को मैंने एक साथ, क्योंकि थोड़े से थे इसलिए मैंने सभी को एक साथ फ्राई कर लिया है। आप थोड़ा अगर ज़्यादा हलवा बना रही हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो आप अलग अलग फ्राई इनको करिएगा। उसके बाद जो घी बचा था उसी में मैंने सूजी को डाल दिया है और सूजी मैं भून रही हूँ और घी कम लगेगा तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी जिससे कि हमारी सूजी जो है बहुत ही अच्छी सी भून के तैयार हो जाएगी और हमें ब्राउन कलर तक होने तक सूजी को भूनना है। तो सूजी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी थी तो हमने पानी उसमें डाल दिया और उसके बाद हमने फिर से 1 चम्मच घी डाल दिया है और पानी हमारा सूख जाएगा, सूजी हमारी फूल जाएगी, तब हम चीनी डालेंगे। और जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही हमने चीनी डाली हुई है। ये परफेक्ट माप है मीठे का। हमारा हलवा जो है एकदम बढ़िया सही मीठा होता है, ना कम ना ज़्यादा। अगर जितनी सूजी ली है आपने उतना ही मीठा डालिए और फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, उस हिसाब से डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने पूरी सेकना शुरू कर दिया क्योंकि तुलसी की पूजा जो है हलवा और पूरी से होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है और पूरी बनाने के बाद फिर तुलसी की पूजा करेंगे। और ग्रहण तो शायद कल पड़ेगा, यानी कि मंडे को पड़ेगा। और तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरी भी बनके रेडी हो चुकी हैं और हमारा हलवा भी बनके रेडी हो चुका है, दोनों चीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, प्रसाद हमारा यानी कि तैयार हो चुका है। उसके बाद दूध आ गया था तो फिर मैंने दूध को छाना और दूध को भी गर्म होने रख दिया। और यहाँ पे देखिए जो हमने बेडशीट ली थी ना 2 दिन पहले बाहर से फेरी वाले से, वही बेडशीट आज हमने बिछा दी है। तो देखिए कैसी लग रही है, अच्छी तो लग रही है लेकिन एक कमी है इसमें। लेकिन मुझे पहले ही डाउट था कि 250 रुपये में बेडशीट कहाँ आती हैं, तो वो क्या कमी है बताऊंगी मैं आगे। और ये देखिए हमारा पूजा का सामान है, तो ये जो श्रृंगार का सामान होता है वो है और तुलसी मैया की चुनरी है। और लहंगा नहीं मिला मुझे पास में, जहाँ मैं गई थी लेने पास में से ही, तो मैंने ब्लाउज का पीस लिया हुआ है, वो हम उनको जो है लहंगे की जगह पे ना देंगे। तो ये है, ये देखिए हमारी तुलसी मैया हो चुकी है पूजा। पूजा करने के बाद हमने सब्जियां वगैरह बनाई, तो हमने भिंडी की सब्जी बनाई थी और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो आलू हमारे सुबह ही बॉयल हो चुके थे खाना बनाने से पहले, यानी कि पूजा करने से पहले। और ये हैं अचार के लिए मिर्च जिनको हमने वॉश करके रखा हुआ, धुल कर रखा हुआ। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ काम से, काम सारा फिनिश हो चुका है, खाना पीना बन चुका है और खा भी लिया।
और 1.5 बज चुका है, और कल मैं मिर्चें लाई थी अचार के लिए, तो वो मैंने धुल के रख दी हैं, उनका पानी सूख जाए, फिर शाम को उनका मसाला तैयार करूँगी। और अभी अभी मैं थोड़ा सा लेटूंगी, पता नहीं ये गंदी आदत है मेरी, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मतलब हैबिट हो गई है कि खाना खाने के बाद लगता है कि थोड़ी सी देर लेटो। और जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोती हूँ, भले ही मैं 10 मिनट लेटूं और मुझे लगेगा कि आलस नहीं आ रहा, नींद भी नहीं आ रही, तो मैं उठ जाती हूँ, पर लेटती जरूर हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ लेटने। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, उठ के करते हैं फिर काम, अचार की भी तैयारी करना है, और मिलते हैं। ये हैं मोमोज, तो हम लोग इनको खाने जा रहे हैं। एक जगह गई थी मैं, तो वहां से मैं लेके आई थी रास्ते से। मैं आ चुकी हूँ वापस, एक जगह गई थी और चाय पी रही हूँ, पहले मोमोज लेके आई थी तो वो खाए, अब चाय पी रही हूँ, उसके बाद खाना बनाना है, देखती हूँ क्या बनाना है खाने में। हल्का फुल्का खाने का मन हो रहा है तो तहरी बनाऊंगी, देखती हूँ, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि क्या बनाना है। तो मैं पहले करूंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, क्योंकि मैंने पहन रखी है साड़ी, मैं जहाँ गई थी वो लोग हैं मेरे गांव के, जिनके घर पे मैं गई थी, तो इस वजह से मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो मैं पहले साड़ी चेंज करूंगी, उसके बाद खाना पीना देखूंगी, क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है, मैं बहुत कम पहनती हूँ, जब गाँव जाती हूँ तभी पहनती हूँ, तो आदत में नहीं है बिल्कुल भी, तो बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं जल्दी से पहले ड्रेस चेंज करती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं चेंज करने के बाद। तो इसमें बन चुकी है हमारी दाल, गैस को हमने ऑफ कर दिया और अभी इसमें गैस बनी हुई है, तो इसको हम निकलने देते हैं अपने आप, और मैं तब तक कर लेती हूँ तड़का की तैयारी। और आटा मुझे लगाना नहीं है, आटा लगा हुआ रखा है, ये है, तो आटा लगाना नहीं है, तो चलिए चलते हैं तड़का की तैयारी कर लेते हैं। रात को लेट हो गई थी खाना बनाने खाने में, तो फिर ब्लॉग नहीं बना पाया था, और ये है हमारी सुबह की चाय नेक्स्ट डे। इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।